फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, मैं आपको बताऊं, मेन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है ना वो होती है पांच, लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं कि वो कितनी डिस्कस करता है। एक होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट को ना हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं। दूसरी होती है बैलेंस शीट, और तीसरी होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और चौथी होती है ऑनर्स इक्विटी स्टेटमेंट, ऑनर्स इक्विटी स्टेटमेंट, और पांचवी होती है नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, अब आपके यहाँ पे कौन से कवर किए गए हैं वो हम इंशाल्लाह देख लेते हैं, लेकिन बिफोर दैट आपको ये पता होना चाहिए कि ये पांच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो कवर की गई है ना वो सिर्फ ये पहली और दूसरी है, ये देखे ना इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट कवर की गई है। अब मैं आपको सादा लफ्जों में बताऊंगा ताकि आप जल्दी इसको ग्रिप कर सके। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना, ये शो करता है फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है फॉर पर्टिकुलर पीरियड, फॉर पर्टिकुलर पीरियड। ठीक हो गया, इसका क्या मतलब है, 12 महीनों में हमने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया वो हमें कौन बताता है, इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, उसके बाद ये जो बैलेंस शीट होती है ना, ये फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है, पोजीशन शो करती है फॉर पर्टिकुलर या ऑन पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर डेट। मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करूंगा, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। हारून साहब कितने दिन बनते हैं मुझे बताएं जरा, कितने मंथ बनते हैं, कितने मंथ्स बनते हैं यार? 12 मंथ। 12 मंथ्स में हमने क्या खोया क्या पाया वो कौन बताएगा, इनकम बैलेंस शीट। अच्छा सॉरी, वो इनकम स्टेटमेंट बताएगी। अच्छा, अब बैलेंस शीट का क्या रोल है, 1 जनवरी को मेरे पास क्या था, 1 जनवरी को मेरे पास क्या कुछ था, लैंड कितनी थी, बिल्डिंग कितनी थी, मशीनें कितनी थी, फर्नीचर कितना था, कैश कितना था, कैश एट बैंक कितना था, अकाउंट रिसीवेबल कितना था, ये कौन बताती है, बैलेंस शीट। ये कौन बताती है, बैलेंस शीट। अभी इसी तरह ना हम 31 दिसंबर को भी एक बैलेंस शीट बनाते हैं, मैं सपोज टू था, तो 31 दिसंबर को, तो अब ये बताती है कि 31 दिसंबर को मेरे पास क्या कुछ है। अब आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ जाएगा कि 12 महीने में, 12 महीने हमने क्या कुछ किया है वो बताती है इनकम स्टेटमेंट, हमने प्रॉफिट कमाया। ये बताती है कि 1 जनवरी को मेरे पास क्या कुछ था, कितनी दौलत थी, और 31 दिसंबर को मेरे पास कितनी दौलत है। और ये जो इनकम स्टेटमेंट ये बताती है कि मेरी दौलत में इन दो डेटों में कितना इंक्रीज आया है। फाइनेंशियल पोजीशन होती है माली हालत, ठीक हो गया, फाइनेंशियल पोजीशन होती है माली हालत, मेरी माली हालत 12 महीनों में कितना प्रॉफिट आया कितना लॉस आया, मेरी माली हालत 1 जनवरी को क्या थी और आज क्या है। यानी दोनों का रोल ही अलग है, दोनों का रोल ही अलग है। तो फिर इसमें हम लिखते क्या है हारून साहब, इसमें हम लिखते हैं एक्सपेंसेस और इनकम। क्या लिखते हैं, एक्सपेंसेस और इनकम, और क्या निकालते हैं, प्रॉफिट या लॉस, ये या आपने याद रखना है। इसमें हम क्या लिखते हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज और कैपिटल, और क्या लिखते हैं इसके अंदर, कैपिटल। तो ये अब आपको मैंने सादा लफ्जों में इसको बता दिया है, यही चीजें रेप्लीकेट होंगी, यही चीजें। अच्छा, अब ना इनके कुछ नाम है, इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस या कंप्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, और बैलेंस शीट को हम क्या कहते हैं, बैलेंस शीट को हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। ये देखिए, उसने ये बताया है कि ये स्टेटमेंट्स 5 तरह की होती हैं, जो मैंने आपको 5 ऊपर बताई हैं, नोट्स बताया है, इक्विटी बताई है, कम उसके अलावा मैंने आपको कैश फ्लो बताई है, और ये सारी प्रॉफिट एंड लॉस और वो बताई। उसके बाद वो हमें कहता है कि इनकम स्टेटमेंट होती क्या है, ये क्या मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि ये आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताती है, जो आपने 12 महीनों में यानी 12 मंथ में जो कुछ कमाया, इनकम में से एक्सपेंस माइनस करेंगे प्रॉफिट आ जाएगा, अगर एक्सपेंस ज्यादा है इनकम का मैं तो लॉस निकल आएगा। ठीक हो गया, बैलेंस शीट क्या बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है खास डेट को, खास डेट को, ये देखे ना खास डेट को, ये डेट लिखा हुआ है, खास डेट को माली हालत बताती है, इसमें एसेट्स, इक्विटी और लाइबिलिटीज होती है। तो ये आपने याद रखना, कोशिश कीजिएगा जरूर एक दफा इनको बेशक बहुत गौर से ना पढ़िएगा,
लेकिन कम से कम एक दफा जरूर पढ़िएगा। अच्छा अब ये देखें इस तरह का ना, वो आपको एक टेबल देगा। सबसे पहली और अहम चीज जो इस टेबल में है ना, वो आपको पता होना चाहिए कि ये आइटम्स कहाँ जाते हैं, ये आइटम्स कहाँ जाते हैं। अब आपके पास मैंने आपको कितने ऑप्शंस दिए हैं अरुण साहब? एक बैलेंस शीट का ऑप्शन दिया है और दूसरा किसका दिया है मैंने आपको? इनकम स्टेटमेंट का। ठीक है, मैं जरा टाइपिंग में चला जाता हूँ। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बैलेंस शीट में कौन सा आइटम जाएगा और इनकम स्टेटमेंट में कौन सा जाएगा। मुझे एक चीज बताएं, एक मैं ले मैन एग्जांपल देता हूं। मैं अगर कहूं कि जो 1, 2 या 3 जो 5 एक डिजिट है वो मैं कहता हूं कि वो उर्दू का हरूफ तजी है, तो आप साथ ही मुझे कहेंगे कि नहीं जी आप गलत कह रहे हैं। मैं क्यों गलत कह रहा हूं? आपको पता है कि जो 5 है वो उर्दू का हरूफ तजी नहीं है, 5 जो है वो एक मैथ का डिजिट है। इसी तरह आपको जब तक इनके आइटम्स नहीं ना पता होंगे कि बैलेंस शीट में क्या जाएगा और इनकम स्टेटमेंट में क्या जाएगा, मैं और आप ये जो नीचे ड्रोने टेबल्स है ना वो नहीं हम कर सकते। ठीक हो गया। अब आपने आपको ये देखें, ये पता होना चाहिए कि कौन सा आइटम किधर जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल से वाजिया करता हूँ। एग्जांपल मैं जो आपको बड़ी जबरदस्त किस्म की देने लगा हूं, मैं आपको ना एक फॉर्मेट देने लगा हूं जिसके अंदर तमाम चीजें अवेलेबल हैं, इसके रेलेवेंट इनकम स्टेटमेंट के रेलेवेंट। तो ये एक मिनट ठहरिएगा, मैं फॉर्मेट निकाल लूं। फाइनल अकाउंट, अरुण सब ये देखें, जो होता है ना आपका इनकम स्टेटमेंट, उसको आगे दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक को कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, जिसका मकसद होता है ग्रॉस प्रॉफिट निकालना या ग्रॉस लॉस निकालना। दूसरी को कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। इनकम स्टेटमेंट को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक को कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, एक को कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। क्या होता है जब हम सेल में से सेल रिटर्न को माइनस करते हैं, एक आंसर आता है, इसको कहते हैं नेट सेल्स। सेल में से सेल रिटर्न माइनस तो नेट सेल, उसमें हम क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक और नेट परचेजेस को। नेट परचेजेस कैसे निकलेंगे यारों साहब? देखिए परचेजेस में से परचेजेस रिटर्न को जब आप माइनस करेंगे ना तो आपका क्या निकल आएंगी? नेट परचेजेस। ये नेट परचेजेस क्या होती है? आप एक बात कर रहे हैं कि एक दुकान है जो आपकी सपोज किसी भी जगह पे मेन रोड पे है, तो वो परचेजेस तो करेगा ना, उन चीजों को दुकान तक उठा के लाएगा, उसको कैरेज या फ्रेट इन्वर्ट कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद कार्टेज, ये जो कार्टेज के चार्जेस होते हैं ना, ये कार्टेज के चार्जेस, ये वो चार्जेस होते हैं जो हम ये कार्ट्स वगैरह पे नहीं, रेडा वगैरह पे कुछ चीजें लेके आते हैं, या वो पुराने कार्ट्स होते थे गाँव के अंदर वो बैल वाले, उनको कार्टेज हम बोलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद डॉक चार्जेस। डॉक चार्जेस जब हम बाहर से चीजें मंगवाते हैं तो उसके डॉक और क्लियरिंग चार्जेस हम पे करते हैं। वेजेस, कस्टम इंपोर्ट एक्साइज ऑक्ट्री ड्यूटी, ये आपको पता है गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं बाहर से मंगवाने पे या एक सूबे से दूसरे सूबे में मंगवाने पे। मोटिव पावर, जो वहां पे बिजली चल रही होती है ना उसको कहते हैं। रॉयल्टी, रॉयल्टी बेसिकली होता है कि जब हम किसी से उसका लिखा लिखाया फार्मूला लेके अपनी दुकान में इस्तेमाल करते हैं तो उसको रॉयल्टी कहते हैं, और उस पे जो हम रेंट पे कर रहे होते हैं ना उसको रॉयल्टी कहते हैं। दोबारा बताता हूँ, आपने किसी से क्या लिया? उसका फार्मूला लिया, मुझसे फार्मूला लिया कि जनाब अपना फार्मूला मुझे दें, उन्होंने दिया और उस पे हर महीने आपसे कुछ रेंट ले रहे हैं, उसके चार्जेस ले रहे हैं, उसको रॉयल्टी कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आप जानते हैं, इनको आपने ऐड करना है, इनको आपने 1 by 1 माइनस करना है, तो आपका जो आंसर आएगा उसको ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए, मैं आपसे पूछूंगा कि वेजेस कहाँ जाती हैं, तो आपने कहना है जी ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन में ट्रेडिंग की डेबिट में जाती है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। कार्टेज, कार्टेज का आपको पता होना चाहिए। डॉक चार्जेस का आपको पता होना चाहिए। कस्टम ड्यूटी का आपको पता होना चाहिए। तरीका क्या है, इसको आप सामने रखें, इसका प्रिंट निकालें, निकाल के इसको पढ़ें,
इसको 8-10 दफा पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगी, और इसका कोई तरीका नहीं है। यानी अगर कहें ना कि इसको मतलब कोई तरीका है इसका, नहीं और कोई तरीका है। अच्छा, मैंने आपको बताया इनकम स्टेटमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस और एक ट्रेडिंग। क्या होगा अरुण सब, ग्रॉस प्रॉफिट आपने यहाँ से ऊपर वाला यहाँ लेके आना है, जिसके साथ रिसीव्ड लिखा होगा ना, रिसीव्ड या रिसीट, उसको आपने इधर लिखना है, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, मिसलेनियस रिसीव, रेंट रिसीव, या कोई भी जो आइटम इस टेबल में, ये जो टेबल मैंने आपको दिखाया था ना, इस टेबल की क्रेडिट में आपको कोई भी आइटम नजर आएगा ना, तो उसको भी आप जैसे ये देखे ना रेंटल इनकम, ये देखे ये क्रेडिट में लिखी है रेंटल इनकम, ये क्रेडिट में लिखी है, तो आपने, मैंने आपको क्या निशानी बताई है, इसकी क्रेडिट में कौन कौन से आइटम लिखने हैं, ये देखें, रेंट रिसीव, रिसीट रिसीव, रिसीव डिस्काउंट रिसीव, ग्रॉस, या कोई भी इनकम जो आपको उस टेबल की क्रेडिट में दी गई है उसको आपने यहाँ पे लिखना है, उसकी उस टेबल की क्रेडिट में दी गई है। अब वो कैसे, अब आप फिलहाल सिर्फ इसको याद कर लें, आप फिलहाल इसको सिर्फ याद कर लें। अच्छा, सैलरी, कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, मैंने कैरेज इनवर्ड ऊपर लिखा था, कैरेज आउटवर्ड नीचे लिख रहा हूँ, फ्रेट आउटवर्ड ऊपर, इनवर्ड ऊपर लिखा था, वो फर्क क्या है दोनों में, उनको कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उन डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जिनका आइटम परचेज करने के साथ डायरेक्ट ताल्लुक होता है, और ये जो इनवर्ड ये जो होते हैं ना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनका सेल्स के साथ ताल्लुक होता है, परचेजेस से ताल्लुक नहीं होता, उनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब हम सेल कर रहे होते हैं तो चीजें उठा के अपनी दुकान से ले जाते हैं, जब हम चीजें सेल कर रहे होते हैं तो चीजों को हम, फ्रेट क्या होता है, जब आप अदर देन रोड रेलवे के चार्जेस पे कर रहे हैं तो उनको फ्रेट कहते हैं, या आप समंदर से कोई चीज ला रहे हैं तो उसको फ्रेट कहते हैं, और बाय रोड के अलावा जो भी चार्जेस होते हैं उनको फ्रेट कहते हैं। रेंट, रेट्स, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन, इंश्योरेंस, बैंक चार्जेस, लीगल चार्जेस, रिपेयर, एडवर्टीजमेंट, ट्रेड, ऑफिस बैलेंस, बैड डेट्स, ट्रेवलिंग और टैक्सेस, ये सारे इधर जाएंगे। इसके बाद आपने मैंने आपको बतानी है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट पहले आपने याद करनी है, दूसरे नंबर पे ट्रेडिंग याद करना है, तीसरे नंबर पे आपने प्रॉफिट एंड लॉस करना है। ये छोटी है, जल्दी याद हो जाती है। इसमें एक होते हैं करंट एसेट्स, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये आपके करंट एसेट है जो एक साल के अंदर अंदर आपने, आपको रिसीव होने होते हैं, उनको हम करंट एसेट्स कहते हैं, जिनकी लाइफ एक साल से कम होती है। बिल रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, ये तमाम के तमाम आपके करंट एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क्स, ये आपके सारे फिक्स एसेट्स हैं। अब इस फिक्स एसेट्स में ये बताऊं ना, तो ये वो एसेट्स हैं जिन जो टेंजिबल हैं, जिनको आप छू सकते हैं, ये वो एसेट्स हैं जो इनटेंजिबल हैं, जिनको आप महसूस कर सकते हैं। शोहरत को आप महसूस कर सकते हैं, आप छू नहीं सकते, गुडविल बोलते हैं जिसको, ठीक हो गया, तो आप इनको इस तरीके से हैंडल करेंगे, ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से लोन लेना, अकाउंट पेएबल, क्रेडिटर, बिल पेएबल, शॉर्ट टर्म लोन, अब लॉन्ग टर्म लोन्स में आता है मॉर्गेज करवाना, डिबेंचर्स या लॉन्ग टर्म लोन्स, और कैपिटल में क्या आता है, ये बेसिकली कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड हो जाता है। और उन सब याद रखिएगा, ड्राइंग्स माइनस हो जाती है और नेट लॉस भी माइनस हो जाता है, इसको कहते हैं इक्विटी भी कहते हैं। अरुण साहब, इक्विटी किसको बोलते हैं, कैपिटल में जब प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, ड्राइंग्स को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और नेट लॉस को भी माइनस कर देते हैं, तो हमारी इक्विटी निकल आती है। ये बहुत अहम टेबल है, सारा कुछ इस पर डिपेंड कर रहा है। अब आप जरा देखें ना, मैंने अभी आपको बताए हैं, मैं आपको वैसे अभी बताता हूँ कौन कौन सा आइटम किधर जाएगा, मुझे तो ये याद है ना, बैड डेट्स जो है ना वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, अभी मैंने आपको बताया, आप फॉर्मेट में देख भी सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है, टेलीफोन बिल प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है, रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है, ये जो है ना सेल्स, ये मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग में जाती है, परचेजेस ट्रेडिंग में जाती है, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है, मशीनरी मैंने आपको अभी बताया है, प्लांट एंड मशीनरी ये बैलेंस शीट में एसेट में जाती है, क्रेडिटर बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाती है, फर्नीचर बैलेंस शीट में एसेट में जाता है,
लैंड बैलेंस शीट में जाती है, ड्राइंग्स मैंने अभी आपको बताई है, कैपिटल में से क्या हो जाती है अरुण सब, माइनस हो जाती है बैलेंस शीट में, ठीक हो गया। नेक्स्ट रेंटल इनकम, ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में जाएगी, क्योंकि ये देखे ना क्रेडिट में लिखी हुई है। और लास्ट में कैपिटल, कैपिटल आपका कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। अब ये क्या बलाएं हैं, ये जो नीचे वाली कैलकुलेशंस है ना, ये तो एक बात की बात है ना, ये तो बात की बात है। जब आपको पता लग जाएगा कि मेरा कौन सा आइटम किधर जाता है, तो मैं आपको मिनटों में क्वेश्चन करवा दूंगा, एक मिनट में करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए अरुण साहब उसका पता होना बहुत जरूरी, जो मैंने आपको आइटम्स बताए हैं ना उसका पता होना बहुत जरूरी, ठीक है, उम्मीद है। अच्छा, ये जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक फॉर्मेट बताया है ना इनकम स्टेटमेंट का, अब मुझे आप एक छोटी सी चीज बताएं कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट बताई है ना, बैलेंस शीट बताई है, ये मैंने आपको बताए हैं कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, इन्वेंट, करंट एसेट्स बताए हैं, और इनको मैंने आपको फिक्स एसेट, मैंने आपको थोड़ी लंबी लिस्ट दी है, इससे भी लंबी दी है। अगर आप ये देखें ना, ये मैंने आपको एसेट्स बताए, उसने इस तरीके से ऐसे लंबे करके लिखे हुए हैं वर्टिकली, मैंने क्या लिख दिया, एक साइड पे एसेट्स लिख दिया, एक साइड पे लाइबिलिटी लिख दी। अब आप ये देखें, ये करंट लाइबिलिटी मैंने अभी आपको बताई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये मैंने आपको क्या बताया, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ये मैंने इक्विटी आपको बताई है कि इक्विटी में कैपिटल, कैपिटल में प्रॉफिट ऐड हो जाता है, ड्राइंग्स और लॉस माइनस हो जाता है। ये तो आपको एग्जैक्ट मैच हो गया जो कि मैंने आपको ये करवाया। तो ये उसने क्या बताया अरुण साहब, ये उसने क्या कर दिया है, ये आपको कैसे समझ आएगी, देखें ये मैं आपको मैच करवाता हूँ, जरा मैं आपको मैच करवाता हूँ, यहाँ मेरे वाले फॉर्मेट में और इस फॉर्मेट में क्या मसाइल आपको क्या है। देखिए सेल, मैंने आपको सेल बताई है, ये देखें ये सेल मैंने आपको बताई अरुण साहब, बेसिकली ओपनिंग स्टॉक में इन तमाम को जब आप ऐड करते हैं ना, इन तमाम को ऐड करते हैं और इन क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं, तो जो आपका आंसर आता है उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको समझ आ गई, पूरा पूरा मैंने आपको तरीका बताया है। अब देखिए उसने जो बताया है ना, वो उस तरह मजे का नहीं बताया, ओपनिंग स्टॉक में उसने कहा जी परचेजेस को ऐड करें और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दें, परचेजेस और उसके अंदर जो आइटम्स आते हैं ना, वो ये तमाम आइटम्स हैं जो उसके अंदर आते हैं। तो आपने अब एक आइटम को जेन में नहीं रखना, आपने इसकी जगह क्या जेन में रखना है, ये तमाम साइड कहां से कहां तक, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं, एक मिनट ठहरिएगा, मैं आपको बताता हूं कि अब देखे ना बेसिकली उसने फॉर्मेट के अंदर बहुत सारी चीजें छोड़ी हुई है। तो अब इस परचेजेस की जगह मैं आपको बार बार क्या कह रहा हूं कि आपने इन तमाम को ऐड करना है, तो तब ये बनेगा, तब ये आइटम बनेगा, तब ये आइटम बनेगा, ये वाला, ये देखें, ये ओपनिंग स्टॉक तो मैंने भी आपको बताया। अब मैंने कहा इसको आपने ऐड करना है तमाम को, इसको इसके अंदर क्या कर देना है, ओपनिंग स्टॉक में ऐड, और क्लोजिंग स्टॉक को बीच में से क्या कर देना है, माइनस। तो ये आपका क्या निकल आएगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। प्लीज अरुण साहब याद रखिएगा, प्लीज याद रखिएगा। अच्छा, अब आपका निकल आया ग्रॉस प्रॉफिट, ये मैंने आपको कैलकुलेट करवाया है ग्रॉस प्रॉफिट। ये देखिए फॉर्मेट में क्या फर्क है, वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा, हम उसको बहुत एक्सप्लेनेटरी मैटर्स में देख रहे हैं ताकि हमें वो बहुत अच्छे से समझ आ जाए, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो हमारे पास चीज है ना वो है, अरुण साहब एक मिनट साथ ही रहिएगा, जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ये क्या बुलाए हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस।